नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नवाब मलिक का एक और बड़ा आरोप, क्रूज पर मौजूद था ड्रग माफिया, वानखेड़े से दोस्ती की वजह से एनसीबी ने छोड़ा। पेगासस कांड की जांच करेगी एक्सपर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जासूसी मंजूर नहीं, देखे समिति में कौन कौन। 20-25 नेताओं के साथ कल अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर, अपनी पार्टी के नाम और सिंबल पर कही ये बात। फोटो ऑफ अ स्वीट कपल, नवाब मलिक ने शेयर किया समीर का निकाहनामा और शादी की तस्वीर। 6 महीने में अमेरिका पर हमला कर सकता है इस्लामिक स्टेट, पेंटागन ने चेताया। टीकाकरण की कहानी को राहुल गांधी ने बताया जुमला, बोले इससे लोगों का जीवन नहीं बचेगा। ईंधन की कीमतों में वृद्धि, कोविड से दिल्ली में त्योहार के दौरान खरीदारी पर असर पड़ा। अब दिल्ली जल बोर्ड देगा घरेलू पानी कनेक्शन, बिचौलियों से मिलेगी निजात, आपको देना होगा इतना शुल्क। नोएडा दनकौर कोतवाली में शिकायत, पिता के सामने ही नाबालिग छात्रा से मंचलों ने की छेड़छाड़, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी। भारत में कोरोना से 585 मौतें, अकेले केरल में सबसे ज्यादा 482 मौतें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,451 मामले सामने आए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।